हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका प्यारा रेडियो अनाश, आप सभी का अम्मा नेट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टाउन ऑनलाइन के कुछ बेस लेआउट्स दिखाऊंगा, जिसमें टॉप 5 बेस लेआउट मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें से जो पहला बेस लेआउट है वो ट्रोल बेस का होगा, बाकी के दो जो होंगे वो वॉर बेस के होंगे, और बाकी के दो जो होंगे वो प्रोग्रेसिव बेस मतलब डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करने वाली बेस लेआउट्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम पहले बेस लेआउट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले ट्रोल बेस की तरफ। तो ये है उसका ट्रोल बेस का लेआउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो टाउन सेंट्राइज्ड होता है, और जब एनिमी अटैक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% ही निकलता है इस बेस पे। 2% के जो है वो हाई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है मालूम है क्या, जो है एनिमी की आर्मी है वो बाहर ही भटकती रहती है, लेकिन टाउन को नहीं ले पाती, इसलिए ये 1 स्टार ही आता है बेस। तो ये बेस भी ट्रोल बेस की तरह बहुत ही काम का है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके इसको आप ले सकते हैं, अपने बेस में लगा सकते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट बेस लेआउट की तरफ। जो नेक्स्ट लेआउट है वो है गाइस वॉर बेस का। यहाँ पर मैं इसकी वॉल्स दिखा देता हूँ। तो आपने देखा गाइस इसका लेआउट, और यहाँ पर जो टाउन हॉल है वो थोड़ा साइड पे है, मतलब सेंट्राइज नहीं है, और इसके सेंटर में जो है वो टेस्ला फार्मिंग है। ये बेस मोस्टली वॉर में यूज़ होता है, और इसे आप भी वॉर में यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। जो बेस लेआउट है वो भी एक वॉर बेस है। इसमें आपको टाउन हॉल जो है वो साइड में दिखता है, थोड़ा मतलब बाहर दिखता है, और ये जो है बीच में इसकी क्वीन दिखती है। ये जो बेस है वो मोस्टली वॉर बेस के लिए यूज़ होता है, और इसे भी आप वॉर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने बेस में लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट लेआउट की तरफ। अभी जो नेक्स्ट लेआउट मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े डेकोरेटिव है और मज़ेदार है, जो आपको आपकी बेस की जो प्रोग्रेस है वो क्या क्या अपने अपग्रेडिंग के ऊपर डाला हुआ है वो बताता है। तो चलिए उसे देखते हैं हम। तो सबसे पहले है हार्ट शेप का। ये बहुत मस्त डिज़ाइन है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट शेप का जो डिज़ाइन है वह आप अपने बेस में लगा सकते हैं। अगर आपका बेस मैक्स कर रहे हैं आप, और उसकी जो प्रोग्रेस है आप दिखाना चाहते हैं कुछ अलग अंदाज से, तो आप ये बेस लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा मज़ेदार रहेगा और डेकोरेटिव भी लगेगा। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट बेस लेआउट की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा लेआउट है वो है एक स्पाइडर का, मकड़ी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी आपको प्रोग्रेसिव में आपकी बेस की प्रोग्रेस दिखाने में मदद करेगा, और डेकोरेशन के लिए भी हेल्पफुल है, ताकि जब कोई आपको बेस को विजिट करे तो एक अच्छा सा लुक दिखना चाहिए। इसलिए ये मकड़ी का और जो हार्ट शेप का था वो दोनों मैंने आपको दिखाए, इससे आपके बेस की थोड़ी शान बढ़ेगी और थोड़ा बेस अट्रैक्टिव लगेगा, जिससे थोड़ा डिज़ाइन दिखेगा बेस में। तो बस ये थे कुछ टॉप 5 बेस लेआउट्स, जिसमें आपको मुझे कमेंट करके बताइए आपको इन 5 में से कौन सा अच्छा लगा, और आपने कौन सा डाउनलोड किया। तो चलिए गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।